Everybody, welcome back to Khan's Kitchens, and this is your friend Zubia. I hope all of you are doing well. और आज का इंग्रेडिएंट्स देख के आप समझ गए होंगे कि आज की रेसिपी है चटपटे मजेदार शाही समोसे. तो फर्स्ट स्टेप है इसमें आटा गूंदने का प्रोसेस. तो आइए हम डो बनाते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो डो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 कप ऑल पर्पज फ्लावर या मैदा, और उसमें मैं डाल दूंगी सॉल्ट एज पर टेस्ट. यहाँ पर मैं 1 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ, और उसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून ऑफ अजवाइन, जिसको मैं ऐसे क्रश करके डाल दूंगी सो दैट इट विल रिलीज ऑल द फ्लेवर. ठीक है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे. यहाँ पर हमारे पास है देसी घी. तो ये आटा मैं देसी घी से उसन रही हूँ. आप चाहें तो ये तेल से भी गूंद सकते हैं और मेल्टेड बटर से भी गूंद सकते हैं, मगर देसी घी में इसका ये थोड़ी ज़्यादा खस्ता बनेंगे. तो मैंने इसमें डाल दिया है 3 टेबलस्पून ऑफ घी. तो मैंने यहाँ पर 3 कप ऑफ ऑल पर्पज फ्लावर लिया था, उसमें मैंने डाल दिया है 3 टेबलस्पून ऑफ घी. और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसा लगना चाहिए. इसको हम देंगे एक बहुत अच्छा मिक्स. ठीक है, जो घी है वो इसमें मिक्स हो चुका है. अब हम बना रहे हैं तो ये इतना स्टिफ नहीं बन रहा है. तो इसमें मैं डाल दूंगी 2 टेबलस्पून घी और 1 और ये 2. ठीक है, अब इसको अच्छा सा मिक्स देंगे. मोयन जितना अच्छा होगा, ओवर भी नहीं बट जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका और क्रिस्पी जो कोटिंग होती है समोसे की वो बनेगी. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैसे लड्डू टाइप बन रहा है. इसका मतलब अब ये बिल्कुल तैयार है, ये परफेक्ट है. तो यहाँ पर मैंने 3 कप ऑफ मैदा लिया था, उसमें मैंने डाल दिया है 5 टेबलस्पून ऑफ घी. अब यहाँ पर मेरे पास 1 कप पानी है, रेगुलर रूम टेम्परेचर वाटर. ये थोड़ा थोड़ा डालकर मैं इस आटे को गूंदूंगी. यहाँ पर मैंने इसका एक स्टिफ डो लगा लिया है, और ये डो लगाने के लिए मुझे 1 कप से थोड़ा सा कम पानी लगा, इतना पानी बच गया है. ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस डो को किसी भी बोल में डालकर इसे क्लिंग रैप से कवर कर दें, या फिर आप एक मॉइस्ट क्लॉथ से भी कवर करके रख सकते हैं. बस मेक श्योर करना है कि ये डो एकदम टाइटली कवर्ड हो और इसमें हवा बिल्कुल नहीं जाए, सूखे नहीं. ठीक है, हमें ये 30 मिनट्स तक रेस्ट करना है, और उसके बाद आइए हम चलते हैं हमारी स्टफिंग की तरफ. ऑलराइट फ्रेंड्स, ये इमली की चटनी और छोले आप देख रहे होंगे, ये हम बनाएंगे छोले और समोसे की चाट. और यहाँ पर हमारा पैन रखा हुआ है हाई फ्लेम पर, जिसपे अब मैं डालूंगी इंग्रेडिएंट्स. तो सबसे पहले इसमें चला जाएगा 1 टीस्पून ऑफ जीरा. ठीक है, और उसके बाद इसमें चला जाएगा 1/4 टीस्पून ऑफ हींग. ओके फ्रेंड्स, जीरा क्रैकल हो चुका है. इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ लहसुन, 1 टीस्पून ऑफ गार्लिक और 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च. ठीक है, अब हम इसको सॉटे करेंगे. ठीक है, यहाँ पर फ्लेम को मैं लो कर रही हूँ क्योंकि मेरा तेल अच्छा खासा गर्म हो चुका है. मुझे लहसुन अदरक को सॉटे करते हुए हो चुके हैं 30 to 50 seconds. अब यहाँ पर मेरे पास है ये कुछ मटर जो कि फ्रोजन पीस हैं. अगर आप फ्रेश पीस यूज कर रहे हैं तो भी आप इस स्टेज में डाल सकते हैं. मुझे इनको थोड़ा सा फ्राई करना है, तो इन गोज ये होंगे अराउंड 1/4 कप ऑफ पीस, या आप समझ ले 3 से 4 टेबल स्पून. मैंने इन मटर पीस को 1 मिनट के लिए सॉटे कर लिया है. इन गोज 1/4 कप ऑफ अनियन जो मैंने बारीक चॉप करके रखे थे. ठीक है, ये बहुत ही स्पेशल चटपटे समोसे बन रहे हैं. मिनट, आप देख रहे हैं कि प्याज ने अपना कलर चेंज कर दिया है. यहाँ पर मैं इसमें डाल दूंगी, मेरे पास है 1 टीस्पून ऑफ भुना कोटा सौंफ और 1 टीस्पून ऑफ भुना कोटा हरा धनिया. ये मैं इसमें डाल दूंगी. मेरी फ्लेम यहाँ पर एकदम लो पे है. ठीक है, और इसमें हम डालेंगे सारे हमारे सूखे मसाले. यहाँ पर मेरे पास है 1 टेबलस्पून ऑफ बेसन, ये भी इसमें चला जाएगा. दिस विल गिव अ वेरी गुड टेक्सचर एंड टेस्ट. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून ऑफ हल्दी, 1/4 टीस्पून ऑफ जीरा पाउडर भुना कुटा जीरा, 1/4 टीस्पून ऑफ गरम मसाला, 1/4 टीस्पून ऑफ अमचूर. अब गैस की फ्लेम को लो ही रखना है और हम इसको मसाले को भूनना है. याद रखिए इसमें बेसन भी है, तो थोड़ी देर तक इसे भुनाई करें. गैस की फ्लेम एकदम लो पे रखनी है हमें. 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, क्योंकि इसमें आलू जाने वाले हैं तो आलूओं को मैंने बॉयल किया है नमक डालकर, तो मैं भी इसमें 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट डालूंगी. यहाँ पर मेरे पास 4 से 5 काजू और 8 से 10 किशमिश है, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी.
तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस। अगर आपके पास सिट्रिक एसिड है तो आप, यानी नींबू का साथ, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये मसाला अब अच्छे से भुन चुका है। यहाँ पर मैं ऐड करूंगी, मेरे पास 2 बड़े बॉइल्ड एंड पील्ड पोटेटोज हैं जिनको मैंने हाथ से ऐसे क्रश कर लिया है, मैं वो ऐड कर दूंगी इसमें। ठीक है, अब हमें सारे मसाले को मिक्स करना है अच्छे से। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। इसमें नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मैं 1/4 टीस्पून ऑफ नमक डालूंगी। और यहाँ पर मैं अपना एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ जो कि है 1 टीस्पून ऑफ शुगर। अब हम इसे एक अच्छा सा मिक्स देंगे। ठीक है, अगर आप इसको महीने भर के लिए फ्रीज करना चाहते हैं यू कैन इजीली फ्रीज इट, बट आप चाहें तो धनिया ऐड करें, नहीं करें तो भी चलेगा। अगर आप धनिया ऐड करें तो मेक श्योर कि वो एकदम ड्राई हो, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे और आइए चलते हैं समोसा पट्टी बनाने की तरफ। ऑलराइट फ्रेंड्स, हमारी स्टफिंग अब ठंडी हो चुकी है और ये हमारा डो जो हमने बना के रखा था, इसको 30 मिनट्स हो चुके हैं, तो आइए चेक कर लेते हैं कि इसके क्या हाल है। ठीक है, ये अच्छे से रेस्ट हो चुका है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये मेरी वर्क एरिया पर मैं थोड़ा सा तेल लगाऊंगी और इसको अच्छे से 2 मिनट के लिए गूंद लूंगी। अब आप देख सकते हैं कि ये डो बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा हो गया है। आइए अब इसके हम पीसेस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं बहुत ही बड़े साइज के समोसे नहीं बनाऊंगी, मीडियम साइज के समोसे बनाऊंगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तब तक आप बाकी के डो को, बाकी बचे हुए डो को आप कवर करके रखें सो दैट वो ड्राई ना हो। आप इस टाइम पर एक मसलिन क्लॉथ भी ले सकते हैं वेट। ठीक है, मैं इसका अच्छा सा एक लोई बना लूंगी। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये हम शुरू कर रहे हैं हमारा आटे की, मैंने लोई ले ली है, इसको हम बेलना शुरू करेंगे। ठीक है, इसकी थिकनेस मैं आपको बताऊंगी क्योंकि ये मैदा है तो ये बार बार ऐसे वापस आएगा, तो आप इसको बेलते जाएं। और यहाँ पर मेक श्योर करना है हमें कि हमें इसे थोड़ा सा पतला बेलना है और लंबा बेलना है क्योंकि ये मैदा है तो ये इकट्ठा हो के वापस आएगा। ठीक है, और अगर इस वक्त आपका ये आटा चिपक रहा हो आपके वर्क सरफेस पे तो आप एक हल्के हाथ तेल का भी लगा सकते हैं। फिर अब हम इसको बेलने के बाद यहां पर अब हम इसे काट लेंगे इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ठीक है, हाफ्स में कटने के बाद हम आधे हिस्से को यहां साइड में रख देंगे और जो आधा हिस्सा है हमें, हम पहले उससे काम शुरू करेंगे। लेफ्ट साइड को मैं फ्लिप कर दूंगी और पानी लगाकर इसे पेस्ट कर दूंगी ऐसे, राइट साइड को ऑन टॉप। यहां पर आप पानी भी यूज कर सकते हैं, यहां पर मैंने प्लेन वाटर यूज किया है, मगर आप पानी की जगह स्लरी भी यूज कर सकते हैं, मैदे की और पानी की। ठीक है, फिर इसके अंदर मैं भर दूंगी मसाला। मसाले की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से पानी का हाथ लेना है और इसकी एजेस पे पानी लगाना है। ठीक है, अगर आप पानी लगाएंगे नहीं तो हमारे समोसे तेल में जाने के बाद फट भी सकते हैं। फिर मैं इस साइड को, ये जो चिपकी हुई साइड है वो मेरे पास थी ज्वाइंट वाली, और दूसरी साइड से मैं एक फ्लिप दूंगी ऐसे और फिर इन दोनों को ज्वाइन करके अच्छे से चिपका दूंगी। ठीक है, मेक श्योर कि आप इसको फॉर्मली प्रेस करें ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और आपका समोसा तेल में फटे नहीं। ठीक है, ये डन हो गया, ये हमारा एक समोसा तैयार है। अब मैं दूसरे साइड आपको बता देती हूँ एक बार फिर से, अगर आपको ये हल्का सा थिक लगे तो आप इसको बेलन से बेल भी सकते हैं। ठीक है, फिर से मैंने लेफ्ट साइड को उठाया, इसको फ्लिप किया, इस साइड मैंने पानी लगाया, यहाँ पे मैंने होल्ड किया और राइट साइड को इसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, डोंट वरी अबाउट द शेप, शेप आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ज्वाइंट वाला साइड मैंने अपनी तरफ ले लिया है, एक बार और मैं फर्मली प्रेस कर देती हूँ इसको और फिर मैं लूंगी मसाला। मसाले को मैंने डाला इसके अंदर। ठीक है, और फिर
मैंने लगाया पानी चारों तरफ, ठीक है, पानी मैंने लगाया चारों तरफ और फिर मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया और दोनों साइड्स को चिपका दिया, ठीक है। अगर इन केस फिर भी आपके समोसे तेल में जाने के बाद फट जाते हैं तो आप मैदे की स्लरी बनाकर उस पे लगाएंगे एंड देन यू कैन डीप फ्राई देम। फ्रेंड्स, ये हमारे बन चुके हैं 6 क्यूट से समोसे। और आइए अब हम चलते हैं फ्राइंग प्रोसेस की तरफ। तो यहां पर मेरे पास कढ़ाई में है तेल और मैं इसमें ये आटे की एक छोटी सी बॉल डालकर आपको दिखाती हूँ कि कितना गर्म होना चाहिए तेल। तेल हमें मीडियम हॉट पे चाहिए, ना ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा गर्म नहीं चाहिए। तो जैसे ही मैंने ये डाला है तो देखिए आप थोड़ी देर बाद आपको ये बबल्स दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, इसका मतलब हमारा तेल रेडी है। बहुत ही जेंटली बड़े आराम से आपको ये समोसे डालने हैं। मेक श्योर करिएगा कि आपका जो फ्लेम है वो बहुत ज्यादा हाई पे ना हो, ऑयल बहुत ज्यादा हीटेड अप ना हो, तो ये समोसे बहुत अच्छे से फ्राई होंगे, ठीक है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हैं कि ये हमारे ब्यूटीफुल से गोल्डन समोसे तैयार हो चुके हैं। मैं आपको एक ऊपर उठाकर दिखा देती हूँ, ठीक है। आइए फिर हम इनको निकालते हैं और सर्व करते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये हमारे रेडी है बहुत ही यम समोसे। आप इनकी आवाज सुन सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी बने, ये देखिए। तो आइए अब हम इन दो समोसों की चाट बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो समोसों को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा दही, और डालूंगी थोड़े छोले, और मैं डालूंगी थोड़ी सी मीठी चटनी, ठीक है, थोड़े प्याज, थोड़ा हरा धनिया, थोड़ी चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा नमक और हल्का सा चाट मसाला, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, अ लिटिल डैश ऑफ मोर दही, और ये हमारी बहुत ही यम और चटपटी चाट तैयार है। ओके फ्रेंड्स, तो तैयार है हमारी बहुत ही मजेदार और चटपटी समोसा चाट प्लस समोसे विद मीठी चटनी एंड केचप। यू कैन सर्व इट विद मीठी चटनी एंड केचप। ये है प्रोसेस। अब मैं आपको बताने वाली हूँ प्रोसेस कि हम इन समोसास को कैसे फ्रीज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे समोसे बनाकर एक बेकिंग ट्रे में डाल दिए और मैंने इस पर लगा दिया है ये क्लिंग रैप सो दैट दे डोंट ड्राई। अब मैं इसको एज इट इज ले जाकर अपने फ्रीजर में रख दूंगी। ओके जी, तो ये समोसे की ट्रे जा रही है यहाँ, ठीक है। अब ऑलराइट फ्रेंड्स, ये समोसों को अंदर रखे हुए हो चुके हैं 12 घंटे। अब मैंने आपके सामने इन समोसों को निकाल लिया है, तो आइए देखते हैं कि ये कैसे लग रहे हैं। तो ये हमने हटा दिया है और समोसे हो गए हैं एकदम फ्रोजन। इनको हम एक एक करके निकालेंगे और ऐसे जिपलॉक बैग में डालते जाएंगे, ठीक है। आपको जब भी यूज़ करना हो आप इनको आधा घंटा पहले निकाल के रख दें और थॉ कर लें इनको। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएं तो आप इनको डीप फ्राई कर सकते हैं। ये रेडी हो गए हैं हमारे फ्रोजन समोसे, ठीक है। इसको अब हम जिप अप कर देंगे, जहाँ तक हो सके सारी हवा आप निकाल दें इसमें से, इनको फ्रीज़र में रख दें। ऑलराइट, अब मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़र में, ठीक है। और इस तरह से आप समोसों को फ्रीज कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग खान्स किचन्स विद अज़ी, एंड अगली रेसिपी के साथ जल्दी ही मिलूंगी आपसे। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके लिए ये जो सब्सक्राइब बटन है इसे प्रेस करें और यहाँ पर साइड में जो बेल आइकन आएगी उसे प्रेस करें। इससे आपको मेरे सारे वीडियोज सबसे पहले देखने को मिलेंगे।